बहुत ही कम चांसेस है कि आप जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हो वो एक आईफोन हो, क्योंकि एक लेटेस्ट आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और हम सब कैपेबल नहीं होते उसे खरीदने के लिए। बट वहीं अगर बात करें कुछ चाइनीज ब्रांड जैसे कि शाओमी और वन प्लस वगैरह की, तो इनके फोन्स काफी सस्ते होते हैं और हम सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये चाइनीज फोन्स अच्छे भी होते हैं एप्पल के कंपैरिजन में। अब मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल के फोन्स घटिया होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने में एक पुराना आईफोन मिलेगा उतने में आप एक वन प्लस या शाओमी का लेटेस्ट फोन ले सकते हो। तो आखिर ये ब्रांड्स इतने सस्ते और अच्छे फोन बना कैसे लेते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिजीत फ्रॉम टेक्नोपीडिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब ये चाइनीज ब्रांड्स इतने अच्छे फोन्स कैसे बना लेते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन है कि इनके प्रोडक्ट्स के ज्यादातर कंपोनेंट्स इनके खुद के बनाए हुए होते ही नहीं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जितने भी चाइनीज ब्रांड्स हैं ये अलग अलग जगह से सामान उठाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर एक जगह से उठाएंगे, रैम एक जगह से उठाएंगे और उनको एक फोन में फिट करके आपको एक नया स्मार्टफोन बना के दे देते हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और जानते हैं इसका दूसरा रीजन क्या है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी की R&D क्या होती है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक बात आप समझ लो कि अगर किसी भी कंपनी की R&D अच्छी है ना, तो उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग भी अच्छी होगी। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि एक आईफोन 10 को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये लगते हैं, लेकिन वो मार्केट में आते आते 90,000 रुपये का हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि R&D में कंपनी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। वो हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स होते हैं जो कि कंपनी के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज बनाते रहते हैं, और उन्हें किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बनाने में जितनी रिसर्च लगती है और उन रिसर्चेस को करने में जितना पैसा लगता है वो सब कंपनी को ही पे करना पड़ता है। और उन इंजीनियर्स की सैलरी भी बहुत ही ज्यादा होती है और उनके सैलरी का खर्चा भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि शाओमी के बाद एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि फुल H2H डिस्प्ले लेकर आया नॉच के साथ। तो इस चीज को पॉसिबल करने के लिए आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे हाई स्किल्ड इंजीनियर्स लगे होंगे और उन्होंने कितने फेल रिसर्चेस किए होंगे, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो पाई। अब इन सारी चीजों में जितने पैसे लगे होंगे वो ऑब्वियसली हम लोगों में से ही निकलेंगे। अब वही बात करूं मैं अगर चाइनीज ब्रांड्स की, तो इन्हें R&D पे खर्चा करना ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि Xiaomi और OnePlus की R&D उतनी बड़ी होगी जितनी Apple और Samsung की। अब इन लोगों को R&D पे खर्चा करना ही नहीं पड़ता, जिससे फोन्स की ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि R&D होती क्या है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रीजन पे, जो कि है मार्केटिंग। मार्केटिंग को आप लोग बिल्कुल भी छोटी चीज मत समझना, यही वो चीज है जिससे हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। 2017 के एक आर्टिकल के मुताबिक वीवो ने खर्च किया था 2,200 करोड़ रुपीज सिर्फ अपनी मार्केटिंग पर। तो अब इतने से ही अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा बजट लेके चलते होंगे ये लोग। अब नेक्स्ट रीजन आता है फ्लैश सेल का। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लैश सेल क्यों आती है? अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो कि ये फोन्स की कॉस्ट कटिंग करने के लिए भी होती है। कैसे? देखो, जब फोन्स बनते हैं तो उन्हें रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, जिसे हम इन्वेंटरी कहते हैं। अब इनके यूनिट्स लाखों में बनते होंगे और इन्हें सिक्योर तरीके से रखने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता होगा। अब इसी खर्चे को बचाने के लिए फ्लैश सेल के थ्रू फोन्स को सेल किया जाता है। मतलब एक हफ्ते में जितने भी फोन्स कंपनी बनाएगी वो सारे फ्लैश सेल के थ्रू हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो यही इन्वेंटरी का जितना खर्चा होता है वो बच जाता है, और इसी से मोबाइल की बहुत सारी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। अब एक और छोटा सा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा चीप पार्ट्स की। अब एग्जांपल के लिए समझ लो कि कोई कंपनी है जिसने 1,000 रैम्स बनाई है एक दिन में, तो सैमसंग क्या करेगा, उन 1,000 में से 10 बेस्ट रैम उठा लेगा, यानी कि सबसे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स सैमसंग उठा लेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बजट बहुत ज्यादा होता है और ये चाहते हैं कि हम अपने फोन्स में बिल्कुल हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लगाएं। और वहीं हमारे चाइनीज ब्रांड थोड़े से लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उठा सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो हाई एंड फोन्स हैं और जो सस्ते फोन्स हैं उनकी क्वालिटी में डिफरेंस हो, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल लाइफ या फिर डे टू डे यूज में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ रीजंस कि चाइनीज फोन सस्ते क्यों होते हैं।
अब ये तो क्लियर है कि एप्पल और सैमसंग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने फ़ोन्स पे, अब चाहे वो रिसर्च हो या मार्केटिंग, बट ऑब्वियस है कि हमें वो खर्चा नहीं दिखेगा क्योंकि हमें तो फ़ोन से मतलब है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।